हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर ए गैप। सो हमने लगभग स्टॉप कर दिए थे वीडियोस बनाने, एक 2 दिन में कुछ वीडियो नहीं बने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द, यानी हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि लिंग वचन था, कारक था, संज्ञा विशेषण सर्वनाम था, और एक क्या था, और एक टॉपिक क्या था याद नहीं आ रहा है। चलो तो वो है, आज है चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करेंगे विलोम शब्दों। अब देखो, विलोम शब्द इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मेरे को एक वेबसाइट मिला है, तो वहाँ पर लगभग 390+ विलोम शब्द का लिस्ट दिया हुआ है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम PYQs को पहले देख लेते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि कैसे विलोम शब्द पूछा जाता है, और उस वीडियो को हम जब पढ़ेंगे तब इजीली हम शॉर्ट आउट कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो है। ठीक है, तो कनिष्ठ का अच्छा विकल्प, विलोम शब्द मतलब एंटोनिम है ना, विपरीत शब्द। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, आस्था, कंजूस या वरिष्ठ हो। कनिष्ठ का विलोम शब्द का वरिष्ठ हो, आंसर 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम शब्द के सही विकल्प है। जैसे अनिवार्य, ठीक है, इसका क्या होगा विलोम शब्द? इसका होगा आवश्यक, नहीं, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। ओके, आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3। देन देखो, नीचे दिए गए विकल्प में से अंत का विलोम शब्द चुने। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? अगम, अग्रो, आदि, अंतरंग। आगम होगा, अगम, ए, ऑप्शन ए, यस। एंड क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कंटक, तो कंटक का विलोम शब्द क्या होगा? पुष्पो होगा, हाँ ये होगा, पुष्प होगा। कंटक का विलोम शब्द होगा पुष्पो, जैसे कि आंसर ए, यस करेक्ट। नाउ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि कृपोन, कृपोन का क्या है विलोम शब्द का? कंठस्थ, तो दाता होगा डेफिनेटली, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, यस। नाउ 6, सुधा का विलोम शब्द कौन सा है? सुधा का क्या विलोम शब्द होगा आपका? गरल, ऑप्शन डी, यस करेक्ट। तो देख रहे हो, उतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। बट कुछ कुछ वर्ड आएगा जो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड, जितने भी वर्ड यहाँ पर दिया हुआगा, उसका अगर मीनिंग आपको पता है, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग है, तो आप बता पाओगे डेफिनेटली। और मैं बता दूँ कि लगभग मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो क्या वो 2018 का कुछ था, तो लगभग मेरे को दिखा कि यार जो 2024 का भी मैंने एनालिसिस किया, वो आपके साथ शेयर नहीं किया ना। मैंने जो लिस्ट शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में कि यार ये टॉपिक कर लो तो चांस ज़्यादा है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, तो वो 2024 का पेपर से मैंने सॉल्व करके बनाया था, वो मतलब निकाले थे कि यार कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए। बट ऐसा नहीं है कि हर बार उसी टॉपिक से आएगा, बट डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि विलोम शब्द जो है ये 2 शब्द तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो आपको पता नहीं हो नोट करके पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। विगत का विलोम शब्द कौन सा है? तो विगत का विलोम शब्द होगा आपका आगामी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन कनिष्ठ किसका विलोम शब्द है? कनिष्ठ किसका विलोम शब्द है? कनिष्ठ का ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, भाई ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में शुद्ध विकल्प का चयन करें जो जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे ओती, ओति का विलोम शब्द होगा अल्पो, ऑप्शन नंबर B। देन निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्दों का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमने सदा तुम्हें अपना समझा, अच्छा अपना की जगह क्या होगा? तो अपना की जगह पराया होगा, ऑप्शन नंबर 3, यस। नाउ दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, तो ऑप्शन नंबर 2। नाउ दिए गए शब्द का विलोम शब्द संक्षेप, संक्षेप का विस्तार, ऑप्शन नंबर 2। देन अनुरक्त, तो इसका होगा आपका विरक्त, तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देन लोभी, लोभी का निर्लोभी, ऑप्शन नंबर 2। नाउ उद्यमी, उद्यमी का होगा आपका आलसी, ऑप्शन नंबर A। नाउ निंदा का होगा प्रशंसा, ऑप्शन नंबर 4। अब हमें लोगों के गुण देखने चाहिए, तो गुण के होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। देन
वन फिर से, अच्छा खनिक, खनिक का होगा आपका शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए यस। नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक का होगा धनात्मक यस ऑप्शन नंबर डी। देन सामिस, सामिस का होगा आपका निरामिस ऑप्शन नंबर ए यस ऑप्शन नंबर ए। देन जटिल, जटिल का होगा आपका, जटिल का होगा आपका सरस, ओके सरस, हाँ जटिल का होगा सरस ऑप्शन नंबर सी यस, जटिल का विलोम सरस। देन मुख, मुख का होगा आपका बाचाल ऑप्शन नंबर बी यस। देन दाता का होगा आपका क्या याचक ऑप्शन नंबर बी यस, दाता का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी याचक। पहला हमने पढ़ा था कृपण का विलोम शब्द दाता था, यहाँ पर दाता का विलोम शब्द याचक हो गया, तो ऐसा हो जाएगा, होगा होगा ठीक। देखो देन दूतकार है ना, क्या दूतकार ही लिखा है ना यहाँ पर, दूतकार, दूतकार का मीनिंग नहीं पता तो ये मेरे को नोट करने लेना चाहिए, दूतकार। तो दूतकार का विलोम शब्द होगा आपका नहीं पता ये स्वागत, अच्छा दूतकार, सत्कार दूतकार ऐसा है क्या, हो सकता है। तो इस दूतकार का विलोम शब्द होगा आपका स्वागत। देन विमुख का विलोम शब्द होगा आपका उन्मुख ऑप्शन बी यस। देन तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा आपका तिमिर, तिमिर ऑप्शन नंबर सी। देन ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द होगा आपका अधोगामी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कल्पित का विलोम शब्द होगा कल्पितो, कल्पित का विलोम शब्द होगा यथार्थो ऑप्शन नंबर डी। देन ट्वेल्व व्याभिचारी का विलोम शब्द होगा अभिचारी, सॉरी सदाचारी, व्याभिचारी का विलोम शब्द होगा सदाचारी, व्याभिचारी का विलोम शब्द होगा सदाचारी ऑप्शन नंबर सी। देन ऑप्शन देन मिथ्या का विलोम शब्द होगा सत्य ऑप्शन नंबर बी। एंड देन क्रुद्ध का विलोम शब्द होगा, क्रुद्ध का विलोम शब्द होगा शांत ऑप्शन नंबर बी। एंड देन ओजस्वी का विलोम शब्द होगा तेजस्वी, हट निस्तेज, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज, ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज ठीक है, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। एंड देन उदास, उदास का विलोम शब्द होगा प्रफुल्ल ऑप्शन नंबर डी यस। नाउ कपटी, कपटी का विलोम शब्द होगा क्या होगा, कपटी का विलोम शब्द होगा डिस्कपट ऑप्शन नंबर ए यस। देन अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज ऑप्शन नंबर बी। देन अनुराग का होगा विरक्त ऑप्शन नंबर, अरे देश कैसे हो गई, अनुराग का विरक्त, अनुरक्त था तो विरक्त था, अनुराग का होगा देश, अच्छा अनुरक्त का विलोम शब्द था विरक्त बट अनुराग का विलोम शब्द होगा देश, देश ओके दयावी कर मुद्दन देश। देन दयालु, दयालु का होगा निर्दय ऑप्शन नंबर ए। अग्रगामी का होगा पश्चोगामी ऑप्शन नंबर ए। देन अल्पप्राण का होगा महाप्राण बी। देन समष्टि का होगा आपका बैष्टि बी। देन रिक्त का होगा आपका पूर्ण डी। देन क्या लोलुप, लोलुप का विमुख क्या, सॉरी विलोम, विलोम शब्द क्या होगा, लोलुप का होगा, लोलुप का होगा संतुष्ट ऑप्शन नंबर डी। देन अल्पजो, अल्पजो का होगा बहुजो यस ऑप्शन नंबर टू। देन अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ ऑप्शन नंबर बी। देन क्षमा का होगा क्षमा या का, इसका होगा विलोम शब्द होगा दंड ऑप्शन नंबर ए। देन खेद, खेद का होगा आपका प्रसन्नता, प्रसन्नता ऑप्शन नंबर ए वन ओके। देन एक देशीय, इसका होगा बहुदेशीय, नहीं ऐसा तो कोई नहीं, एक देशीय का होगा आपका बाह्य देशीय, क्या बाह्य देशीय जैसे ऑप्शन नंबर नो डी स्वदेशीय, अच्छा एक देशीय का विलोम शब्द होगा स्वदेशीय, ये याद रखना होगा कि एक देशीय का विलोम शब्द होगा स्वदेशीय, स्वदेशीय ओके। देन भाव, भाव का विलोम शब्द होगा आपका अभाव है ना ऑप्शन नंबर डी यस। देन विधि, विधि का विलोम शब्द होगा निषेध ऑप्शन ए। आप देखो अच्छा तुम घर जाओ क्या बोला है, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त तो विराम चिन्ह का चयन कीजिए, अच्छा विराम चिन्ह तो अच्छा तुम घर जाओ, ये विराम चिन्ह कहाँ से आ गए पता नहीं है, चलो ये मतलब वही पे था हाँ ठीक है, बट ये कमा क्यों लगेगा यार, तुम घर जाओ ये तो हो सकता ना, फुल स्टॉप भी तो हो सकता, बाय द इसको अभी लिप करते चलो। देन क्षुब्ध, क्षुब्ध का सॉरी क्षुद्र, क्षुद्र का क्या महान डी। अब देखो अथो, अथो का होगा
क्या अर्थों का इति, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4, यस अर्थों का विलंब शब्द का इति, याद रखिएगा अर्थों का विलंब शब्द का इति। देन आपका अतिक्रमण, अतिक्रमण का विलंब शब्द होगा अतिक्रमण, दैट इज अनतिक्रमण, ऑप्शन नंबर 2 अनतिक्रमण। ओके नाउ निम्न शब्द में से अटल, अटल का विलंब शब्द है, अटल का विलंब शब्द है निश, निश अटल का विलंब शब्द है अटोल का विलंब शब्द होगा निश्चल तो नहीं होगा नहीं अटोल, देखते इसको ऑप्शन नंबर 2 दैट इज क्या लिखा है ढुलमुल, देखना पड़ेगा इसका मीनिंग ढुलमुल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चिरायु का विलंब शब्द कौन सा है, चिरायु का विलंब शब्द होगा आपका अल्पायु, ऑप्शन नंबर 4। देन स्वामी का विलंब शब्द होगा आपका सेवक, देन दिए गए अगत अक्षत, सॉरी अक्षत का होगा आपका विख्यात, ऑप्शन ए। देन गौण का होगा मुख प्रमुख हो, ऑप्शन बी। देन अनुग्रह का होगा विग्रह, ऑप्शन ए। देन अनुजाई का होगा विरोधी, ऑप्शन डी। देन भ्रम, भ्रम का होगा निश्चित, ऑप्शन डी, सॉरी भ्रम का होगा निभ्रम, यार याद रखिएगा ये भ्रम का होगा आपका निभ्रम, भ्रम का होगा निभ्रम, ठीक है भ्रम का विलंब शब्द होगा निभ्रम। देन अस्थिकरण, अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का होगा निरस्त्रीकरण, ऑप्शन 3। देन सारथी परायण का होगा आपका सार्थ विमुख, ऑप्शन 2। देन निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलंब शब्द होगा आपका उन्मूलन, उन्मूलन का विलंब शब्द होगा आपका रोपण, ऑप्शन 3, यस। नाउ निरोध, निरोध का विलंब शब्द होगा सॉरी निषिद्ध का विलंब शब्द होगा निषिद्ध, निषिद्ध का विलंब शब्द होगा प्रदोष नहीं मध्यान्ह, निषिद्ध का विलंब शब्द होगा मध्यान्ह, निषिद्ध का विलंब शब्द का मुद्दा नहीं है, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, मुद्दा नहीं लिखा है, कुछ और पढ़ रहा था तो इसलिए गलत होगा, निषिद्ध मतलब नहीं रहे तो मध्यान्ह, ठीक है चलो। निम्नलिखित में से शयन का विलंब शब्द कौन सा है, शयन का विलंब शब्द होगा जागरण, ऑप्शन बी। अब देखो महीन, महीन का विलंब शब्द क्या होगा महीन, महीन का मीनिंग क्या है, महीन का मीनिंग क्या होता है नहीं पता, तो जो भी देख लेते हैं महीन का विलंब शब्द होगा आपका मोटा, अच्छा तो महीन मतलब क्या थिन है क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से अर्पण का विलंब शब्द होगा ग्रहण, अर्पण का विलंब शब्द होगा ग्रहण, ठीक है ऑप्शन सी। देन रुदन, रुदन का होगा हास्य, ऑप्शन ए। तो ये हमारे 35 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कल्पित का विलंब शब्द कौन सा है, कल्पित का विलंब शब्द हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर वास्तविक होगा, वहाँ पर ऑप्शन था यथार्थ है ना। देन देखो कृतज्ञ का होगा कृतघ्नो, ऑप्शन 2। देन सक्रिय का होगा निष्क्रिय, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, देन क्या संग, संज्ञो का क्या होगा सॉरी सांझ है ना, सांझ लिखा है तो सांझ का होगा सवेरा, ऑप्शन 2। देन क्या लिखा है दीर्घकाय, दीर्घकाय का होगा आपका कृशकाय, ऑप्शन ए 1। निम्नलिखित में से औदित्य, औदित्य का विलंब शब्द कौन सा है, अनुदित्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मौन का विलंब शब्द कौन सा है, मौन का विलंब शब्द है मुखरता, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से आवाहन का विलंब शब्द कौन सा होगा, आवाहन का विलंब शब्द होगा विसर्जन, यस। नाउ विपक्ष का विलंब शब्द होगा पक्ष, ऑप्शन 3, ठीक है। नाउ प्रश्न में 4 विकल्प का चयन करें जो विलंब शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो, सबसे अच्छा विलंब शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो, ग्रामीण, ग्रामीण का होगा स, ग्रामीण का होगा नाग नहीं स, ग्रामीण का होगा, अच्छा ये देखो आंसर की मैं शायद कुछ नहीं था इसलिए स्टार मार्क देकर रखा था सर ने, तो मैंने भी स्टार मार्क दिया, आई थिंक ये क्या होगा नहीं पता, चलो हटाओ। देन देखो उपयोगी, उपयोगी का क्या होगा अनुपयोगी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछे ध्वंस, ध्वंस का होगा आपका निर्माण, ऑप्शन 4।
देन देखो सुबोध, सुबोध का होगा आपका दुर्बोध ऑप्शन टू। देन संक्षेप का होगा आपका विस्तार ऑप्शन थ्री, एंड उत्कर्ष का होगा अपकर्ष ऑप्शन टू। देन इजी है ना, प्रफुल्ल का होगा आपका म्लान। देन आपका है सदाचारी का होगा आपका, हमने पहले भी पढ़ा इसको, व्याभिचारी, ठीक है। देन अकुंचित, अकुंचित का होगा आपका, अकुंचित का होगा सॉरी तो यस। देन निम्नलिखित में अबाक का होगा आपका शबाक ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कृपण का होगा देखो उदार ऑप्शन थ्री। एंड देन 21 कृतज्ञ का होगा आपका कृतघ्न, कृतघ्न ऑप्शन फोर। देन उद्यमी का होगा आपका निरुद्यमी, निरुद्यम ऑप्शन थ्री। देन पर्णकुटी का होगा आपका प्रासाद ऑप्शन वन। देन इति का होगा आपका ऑथो, ये हमने पहले भी पढ़ा, देखो रिपीट भी हो रहा है ना। प्रदोष का होगा, वैसे ये एक ही बार का क्वेश्चन है, मतलब है ना डिफरेंट शिफ्ट्स में आया हुआ है, एक ही साल का क्वेश्चन है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब देखो प्रदोष, प्रदोष का क्या होगा आपका, प्रदोष, प्रदोष का होगा आपका क्या होगा इसका, नहीं पता मीनिंग, देखते हैं इसका प्रदोष का क्या होगा। प्रत्युषा, अच्छा प्रदोष का होगा प्रत्युषा। नेक्स्ट देखते हैं देखो आध्यात्मिक, तो इसका होगा आपका भौतिक ऑप्शन फोर। देन उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण ऑप्शन वन। देन आपका है कर्कश, कर्कश का होगा सुशीला ऑप्शन फोर। देन सीमित, सीमित का होगा आपका असीमित ऑप्शन फोर, ये आपका होगा 29। देन धृष्ट का शब्द, धृष्ट का विलोम शब्द होगा आपका धृष्ट, धृष्ट का होगा आपका सज्जन नहीं विनीतो, अच्छा धृष्ट का विलोम शब्द का विनीतो नॉट सज्जन, धृष्ट का विलोम शब्द का विनीतो, विनीतो। आगे देखते हैं थोक, थोक का विलोम शब्द आपका अल्पो हैगा, अल्पो नो खुद्रा, खुद्रा, खुद्रा थोक का विलोम शब्द का खुद्रा। तो ये देखो कुछ और सी आई है, आई थिंक मेरे को मीनिंग नहीं पता इसलिए लग रहा, हो सकता लग रहा है। तो थोक का विलोम शब्द खुद्रा। देन दूषित का विलोम शब्द होगा आपका निर्मल, नहीं दूषित का, हाँ दूषित का विलोम शब्द मलिन, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। दूषित का विलोम शब्द का मलिन नहीं तो नहीं सकता, साफ स्वच्छ निर्मल, तो निर्मल होगा ना ये दूषित का। अरे यार क्या नहीं है, देखो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा मैंने, क्या नहीं है तो मलिन होगा, ठीक है। देन निम्न में से कौन सा विलोम, ये भी पहला वाला नहीं है क्या, नहीं ठीक है, थोक का था खुदरा, ओके। देन देखो निम्न में से कौन सा विलोम यज्ञ असुमेलित है, तो विमुख का, उन्मुख, रख का, भक्कक, रचना का ध्वंस, एंड विस्तृत का लघु। तो ये रख का भक्कक ये विलोम शब्द नहीं है, विस्तृत का लघु क्या हो रहा है ये, चलो विस्तृत का लघु ये वाला जो है यज्ञ असुमेलित है यानी ठीक नहीं है, विस्तृत का लोगो रखक का भक्को का ये भी ठीक है ना, रखक का भक्को लग रहा है कि यार ये तो हम सुना सुना है, बट ठीक है ये आपका ऑपोजिट ही है, ठीक है विलोम शब्द ही है रखक का भक्को। देन देखो तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक ऑप्शन डी। आप देखते हैं अमित, अमित का विलोम शब्द होगा आपका अमित, अमित परिमित, ओके परिमित। फिर ऑप्शन नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विलोम यज्ञ असम्मिलित है, अनुग्रह, विग्रह, क्या अंतत, असीम, देन अनाहुत, आहुत, अतुल तुल्य, अतुल तुल्य। तो ये अनुग्रह जो होगा विग्रह, यही पढ़ा था ना मैंने कुछ देर पहले पढ़ा, अनुग्रह अनु विग्रह अनंत असीम, ये सी वाला जो है नहीं है करेक्ट, अनंत मतलब ही असीम होता है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या सशक्त, अशक्त, सहित, विहीन। देन सशंक, निशंक, निशंक, समृद्धि, विपत्ति। तो ये वाला डी करेक्ट नहीं है, ठीक है। देन श्यामा का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा, श्यामा का विलोम शब्द होगा गोरी, गोरी जो ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये हमारा खत्म हो गया विलोम शब्द, बहुत अच्छी बात है जल्दी खत्म हो गया। चलो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो जो 390 का लिस्ट हमें मिला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो डेफिनेटली मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।